जय श्री राम। पिछले दो दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। दो दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें, और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। जय श्री राम। पिछले दो दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। दो दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें, और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।